अगली खबर में बात करते हैं बालाघाट की, जहां पैसों के लालच में इंसान कई बार हैवान बन जाता है। ऐसा ही एक मामला बालाघाट में सामने आया है, जहां पैसों की बारिश के चक्कर में 20 साल के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हम उम्र युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालाघाट के भालेवाड़ा गांव का है। थाना प्रभारी अरुण मर्सकोले ने बताया कि 1 सितंबर की सुबह भालेवाड़ा गांव के बाहर करीब 20 साल के एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। मृतक की पहचान आदित्य उइके के रूप में हुई, जो कि 12वीं का छात्र था। उसके पिता किसान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाकर हत्या की गई। परिजनों ने बताया कि आदित्य को आखिरी बार विजय उइके के साथ घूमते देखा गया था। हमने विजय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। आरोपी विजय ने पुलिस को बताया कि धन वर्षा के लालच में उसने आदित्य की हत्या की थी। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर रस्सी या गमछे से किसी की हत्या की जाए, उसके बाद उसी रस्सी या गमछे से नारियल बांधकर उससे पूजा करे तो धन की बारिश होती है। इसी लालच में हमने 1 सितंबर को आदित्य को मिलने बुलाया और फिर गमछे से गला घोट कर उसे मार डाला। फिर हमने उसमें नारियल बांधकर पूजा की, लेकिन हमारे ऊपर कोई धन वर्षा नहीं हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों सुरेंद्र इनवाती, मोहित कनवारे, पंकज मनेसर और विनोद साहू के साथ मिलकर वारदात की थी। टीआई मर्सकोले ने बताया कि हत्या में शामिल मोहित, सुरेंद्र, पंकज, विनोद को हमने गिरफ्तार कर लिया। हत्या में शामिल सुरेंद्र मुकद्दम का बेटा है। दूसरा आरोपी विनोद एक किराना व्यापारी है। वहीं विजय, पंकज और मोहित मजदूरी करते, जिन्होंने धन वर्षा के लालच में आदित्य की हत्या की। विजय उनके पर शक की सुई घूम रही थी और वो काफी समय से गांव से बाहर चला गया था घटना के बाद, तो उसका पताशाली करते रहे हम लोग। फिर पीएम रिपोर्ट आई, तो पीएम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है करके।